हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो ये मैं वार्डरोब पे उतरी थी तो मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई बंदा तो यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बंदा आया। मैंने सोचा यार इसके उतरने से पहले पहले मैं गन ढूंढ लेती हूँ। तो छत पे तो मुझे कोई गन नहीं मिली, इसलिए मैंने नीचे जाके देखा तो मुझे AK मिल गई और बंदा भी उतर चुका था तब तक। फिर मैंने इसको मार दिया। M416 की बहन भी मिल गई थी मुझे। मुझे लगता है इस बेचारे का रैंक था, अकेला उतरा हुआ था। इसको क्या पता था यहाँ पे उल्लू भी उतरी है, तो उल्लू ने इसका खात्मा कर दिया। फिर मैं अपनी मर्सिडीज़ में बैठ के लोगों को ढूंढने के लिए निकली। फिर ढूंढते ढूंढते मुझे रोबोट्स के साथ एक बोट लड़ता हुआ नज़र आया। मैंने सोचा इसको मैं ख़त्म कर दूँगी, लेट के स्प्रे दूँगी इसको मैं। फिर मैंने यहाँ पे लेट के इसको स्प्रे दिया और इसको नॉक कर दिया। फिर मैंने इसको 6x करके टैप टैप करके इसको फिनिश कर दिया। फिर मैं अपनी मर्सिडीज़ में दोबारा वापस बैठी और फिर मैंने ड्रॉप पे जाने का फ़ैसला किया। जब मैं ड्रॉप पे पहुंची तो सामने एक बंदा लेटा हुआ था, तो मैंने यहाँ रुकने का फ़ैसला किया। जब मैं यहाँ पे रुकी तो मुझे हर जगह से फायर पड़े और मैंने फिर जल्दी से शील्ड बनाने की कोशिश की। और शील्ड की ये बात ख़राब है कि ये बनती नहीं है जल्दी, रेड रेड हो जाती है, तो इतनी देर में तो अगला मार जाता है। तो मैंने सोचा इस बंदे को बाद में मारूंगी, अभी फ़िलहाल गाड़ी भी यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोचा यहाँ से दौड़ लगाती हूँ थोड़ी देर के लिए, वरना मैंने सैंडविच बन जाना था। फिर मैं उस घर के पास गई तो गाड़ी वाला भी उधर से आ गया। किस्मत चेक करें, उस बेचारे की ख़राब थी इसका मतलब है। तो उसको मैंने 6x से स्प्रे देके मार दिया। तो ये मोहसिन भाई भी मर गए। तो वो वहाँ पे लेटा हुआ है, उसी जगह पे वो लेटा होगा जब मैं जाऊँगी। शायद अपने टीममेट्स को बुला रहा था वो, बल्कि उसके टीममेट्स थे पास। तो मैंने सोचा यार पहले मैं इसको फिनिश करूँ या नहीं। तो मैंने देखा तो इसके पीछे भी बंदे थे, ये देखें एक बंदा, ये दूसरा बंदा, वो तीसरा बंदा। तो मैंने इसको मारने की कोशिश की, पता नहीं क्यों नहीं मारा ये। तो मैंने थोड़ी आगे गाड़ी घुमा ली क्योंकि अगर मैं वहाँ पे उतरती तो उन लोगों ने मेरा सर खोल देना था, तो इसलिए मैंने थोड़ी आगे गाड़ी रोकी और उतर के मैंने इनके ऊपर एम रखा। काफ़ी दूर थे वो लोग, तो मैंने फिर स्कोप को 6x किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर था, और मैंने इसको टैप टैप कर करके मार दिया। तो एक तो नॉक हो गया था, बाकी रह गए थे दो। तो उसने जल्दी से स्मोक कर दिया अपने टीममेट के ऊपर रिवाइव देने के लिए। फिर मैंने जोन में जाने का फ़ैसला किया क्योंकि उसने तो रिवाइव हो ही जाना था, क्योंकि उसको स्मोक भी हो गया था, उसका टीममेट भी उसके पास था। तो उसके टीममेट ने मेरे ऊपर फायरिंग की और मेरी गाड़ी तबाह करने की कोशिश की। तो इसके साथ फिर वो हुआ जिसके ये काबिल था, यानी कि उल्लू भी चला गया। बाकी के दो टीममेट्स रह गए थे, तो गाड़ी तो मैं नहीं पकड़ सकती थी, इसलिए मैंने बिना गाड़ी के ही जाने का फैसला किया और ख़ुद को हील किया। तो हील करते करते मैं जोन में जा रही थी और सामने वो बंदे भी जा रहे थे, वो आपको नज़र आ रहे होंगे सामने। तो जल्दी से मैं जोन में गई, मैंने खुद को हील नहीं किया उसके बाद क्योंकि वो भी लो थे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं इनको मार दूं तो ये अपने आप को वो हील कर रहे होंगे। एक लेट के करा था और एक पीछे था, तो मैंने सोचा ये जो लेटा हुआ है इसको थोड़ा टाइम लगेगा, पहले पीछे वाले को मारती हूँ तो फिर इस वाले को मारूंगी। फिर इस तरह मैंने दोनों को मार दिया। फिर मुझे सामने शील्ड लगी हुई नज़र आई, मैंने कहा यहाँ पे भी बंदा है, तो मैंने इसको भी फिनिश कर दिया। बाकी इसको तो इसके साथ ये होगा कि इसको AWM पड़ेगी, बेचारा लेट गया यार उतर के। छुट्टी करे छुट्टी। तो इसको मैंने हेडशॉट मारा। अब ये वाला जो बंदा है ना, इसको मैं आराम से मार सकती थी इसके हेड पे एम रख के, लेकिन ये मेरे ऊपर एम रख रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद इसके पास भी AWM होगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश की। तो ये भाई सब कहीं जा रहे थे, मैंने
इनको बोला पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे। तो ये भी ख़त्म हो गए। तो यहाँ से मुझे गोलियाँ पड़ी, तो मैंने जल्दी से शील्ड बना ली और मेरी बचत हो गई। फिर मैंने थोड़ा सा हील किया और फिर मैंने इस बंदे को मारा, तंग करा था। अब मेरा था सोलो वर्सेस स्क्वाड, तो मैं अकेली वो चार। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भयानक सीन होगा, मुझे तो नींद नहीं आई आज ये मैच खेलने के बाद। तो ये सामने चार बंदे घूम रहे थे, तो मैंने थोड़ी कोशिश की कि मैं किसी को मारती हूँ। तो एक बंदे को मैंने नॉक किया पहले, फिर तो मैंने जल्दी से शील्ड बना ली। फिर राइट वाले बंदे को मैंने मारा और फिर लेफ्ट से आके उसने मुझे मार दिया। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।